सम्राट अशोक की तुलना क्रूर शासक औरंगजेब से करने से बिहार की राजनीति में बड़ा विवाद पैदा हो गया है। दरअसल बीजेपी के कल्चर सेल के संयोजक पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा ने एक आलेख लिखा था। इस आलेख में सिन्हा ने सम्राट अशोक को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। सिन्हा ने इस काले कस्तूर से बिहार के हर वर्ग में विरोध का स्वर उठा रहा है। इस विरोध के स्वर का नेतृत्व जेडीयू ने अपने कंधे पर ले लिया है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक अखंड भारत के निर्माता थे और उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल असहनीय है। जेडीयू के वर्करों ने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए मुजफ्फरपुर में दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन किया, तो वहीं जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिना नाम लिए बीजेपी पर प्रहार किया है। कुशवाहा का कहना है कि दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री का पुरस्कार वापस लेकर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही आपत्तिजनक बयान है उनका। सम्राट अशोक की महानता दुनिया भर में लोगों के बीच जग जाहिर है। उन्होंने अपने शासन काल में इतना अच्छा किया कि आदमी की सेवा तो आदमी की सेवा, पशु पक्षी पेड़ पौधा उसको बचाने का भी उन्होंने अभियान चलाया और एक मैसेज एक संदेश हिंदुस्तान से उनके माध्यम से दुनिया भर में सत्य अहिंसा का मैसेज दिया। तो उतनी बड़ी हस्ती और उसका कंपैरिजन जिस भद्रता के साथ किसी ने किया है बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने किया है वह व्यक्ति एक पार्टी विशेष में पदाधिकारी है और उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया है, तो हम उनके वक्तव्य का घोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि उनका जो पुरस्कार है जो दिया गया है उनको उसको वापस लिया जाना चाहिए। इस लायक नहीं है जो व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी सम्राट अशोक के बारे में करे, तो उनका पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ पार्टी को भी चाहिए कि कार्रवाई करे, उनके खिलाफ एक्शन हो, और नहीं एक्शन हुआ तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से आक्रोश चारों तरफ से दिख रहा है देश भर से, तो कहीं ना कहीं फिर पार्टी का भी नुकसान होगा। तो वही विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इसे आंख में धूल झोंकने वाली कार्रवाई बताया है। कुशवाहा ने ट्वीट कर संजय जायसवाल को नसीहत दी है। उन्होंने दया प्रकाश सिन्हा से अवार्ड वापस लेने की मांग दोहराई है और दिखावटी मुकदमे की कार्रवाई को सिरे से खारिज कर दिया है। सम्राट अशोक एक महान शासक थे। पूरी दुनिया में सम्राट अशोक के कार्य की तारीफ की जाती है। उन्होंने ही दुनिया में पहली बार बौद्ध धार्मिक मिशन भेजा था। इसी वजह से चीन, जापान और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें जमा ली थी। इसलिए दया प्रकाश सिन्हा के भड़काऊ और विवादित टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।